अस्सलाम वालेकुम खौतीन हज़रात। भाई अभी एक ऐसी सिचुएशन हो गई है, मतलब मुझे भी खुद एक्साइटमेंट हो रही है वो चीज सुनने की ना। इस बच्चे ने अभी यहाँ पे एक परिंदा देखा है और बहुत ही कोई खूबसूरत परिंदा। कह रहा है कि कौन सा परिंदा था, किस तरफ था? उस तरफ गया, अभी बिल्ली और चील वगैरह उसके पीछे पड़े हुए थे। चील और बिल्लियां उसके पीछे पड़ी हुई थी। यार ये पूरा जंगल है, पूरा का पूरा जंगल है, और इस बच्चे ने अभी अभी एक परिंदा देखा है और मुझे बता रहा है कि ना यहाँ पे इतना खूबसूरत परिंदा, और ये देखें यहाँ पे कौवे वे भी उड़ रहे हैं बहुत सारे, और ये पूरा एरिया जंगल है। मेरा घर सामने, घर के सामने गवर्नमेंट स्कूल है, उसके अंदर ये जंगल है। तो इस इधर अक्सर परिंदे आते रहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको याद है एक वो पकड़ा था, चकोर जो था, चकोर था पता नहीं पटेर था, वो भी पकड़ा था। तो अभी अल्लाह करे ये हाथ में आ जाए। हाँ तो खूबसूरत, मैंने भी खुद उसको ऐसे जाते हुए देखा, यूं करके बस मेरी नजरों से भी उछल हो गया। मगर इस लड़के ने काफी देर से बैठ के यहाँ देख रहा था। मैं नमाज पढ़ के असर की वापस आया तो मैंने देखा ये काफी देर से यहाँ बैठ के मुझे बुला रहा है, फाद भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ, फाद भाई यहाँ पे परिंदा है। ये नहीं पता था कि वो क्या है, तोता था, पता नहीं क्या चीज थी, छोटा था, जैसे ऑस्ट्रेलियन तोता होता ना वैसे था। अच्छा छोटा था, कुछ पता नहीं है अभी, देखते हैं कि वो क्या चीज है। मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि वो क्या चीज है। अल्लाह करे कोई ऐसी चीज निकले जो बड़ी सी आला हो। तो बगैर किसी तरीके उसको पकड़ने की तरफ चलते हैं, बस अल्लाह करे हमारे हाथ में आ जाए वो। बस मुझे यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे हाथ में उसको लगा दे। यार वो लड़का बोल तो रहा था यहीं कहीं है, मगर अभी तक तो नहीं दिख रहा। मैं फुल टाइम जंगल में आ चुका हूँ, चारों तरफ जंगल ही जंगल है भाई, और रास्ते बने हुए अजीब तरीके के। ये देखें ये जैसे रास्ता बना हुआ है, मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है। रास्ते कांटा वाले रास्ते से अंदर घुस के जाना पड़ रहा है। ओए कांटा, आई कांटा लगा, ये दोबारा कांटा लगा। इधर ही कहीं है, यहीं कहीं, और यहाँ मकड़ी के जाले भी हैं, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ये फुल मकड़ी के जाले, खतरनाक खतरनाक, अंधेरा भी हो जाता है यहाँ आके। तो अजीब ही कोई लोकेशन है भाई साहब, मेरी पट रही है। ओ भाई कहाँ से निकलूं, परिंदा तो नहीं नजर आ रहा यार, कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। भाई परिंदा है तो यहीं पर, क्योंकि वो लड़का बोल रहा है यहीं था वो कब से। वो उसकी तबीयत सही नहीं है, और उसके पीछे ना चीले या कौवे वगैरह लगे हैं, या तो उड़ नहीं पा रहा या कोई और मसला है। अभी ये क्या है, ये क्या है भाई, ये तो काला जादू का सामान लग रहा है, मैं हाथ नहीं लगा रहा इसको। ये देखें इधर कोई वो रखी हैं चीज़ें, यहाँ पे कोई दो बोतलें रखी हैं। ओए भाई खतरनाक है यार, ये तो अलग ही जगह है, काला जादू का सामान लग रहा है मुझे तो। निकलो भाई यहाँ से, परिंदे को फोकस करूँ, कहाँ है परिंदा भाई। और आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पे इतने सारे खतरनाक कांटे हैं यहाँ पे। ये देखें ये कांटे ना पैर के अंदर घुस जाते हैं, ये देखें किस कदर कांटे हैं। पूरा जंगल है, पूरा जंगल। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको हमारी आवाज ना आए। अल्लाह करे मैं हाथ में लग जाए। ये पकड़, ये पकड़, आओ आओ अबे आराम आराम से चलो, अगर ये उड़ गया ना निकल जाएगा। ओ बुरा भैंस की टांग, अबे यार ये तो अंदर चला गया। यार आप लोगों ने देखा उड़ता हुआ, अबे भाई ये कैसे आएगा यार। ओए मुझे दिख गया। ओ भाई साहब इधर दिखा, इधर दिखा, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा शायद, ये बैठा, ये बैठा, ये बैठा। यार इसको लाएंगे कैसे यहाँ पे, ये तो बहुत अंदर बैठा है, बीमार है पता है ये, मुझे लग रहा है बीमार है। यार ये आएगा कैसे, पकड़ो जरा ये, इसको मैं कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़ के इसको दबोच लूँ। यहाँ पे इतने गंदे जंगली पौधे हैं, सांप वाप ना निकल जाए, इतने कांटे हैं भाई यहाँ पे। बिस्मिल्लाह, ये हमारी वजह से उड़ा था पता है, वैसे बैठा हुआ था कब से उस जगह पर। अबे मकड़ी के जाले भी हैं भाई, ये किसकी आवाज़ आ रही है, एसी की आवाज़ है। ये रहा, ये रहा, ये बैठा, ये बैठा, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, मैं इतना करीब आ गया अभी तक नहीं उड़ा ये, कोई तो वजह है, ये बीमार है, तबीयत इसकी सही नहीं है। ये देखें ये बैठा, ये बैठा हुआ, ये रहा। यार ये है क्या चीज़, ये समझ नहीं आ रही, ये काटने वाली चीज़ ना हो। तुम एक काम करो, तुम इधर ही रुको, मैं इसके लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करके लाता हूँ जो इसको हम पकड़ सकें। ठीक है, ठीक है, मैं एक मिनट लेकर आ रहा हूँ कोई चीज़। यार ये देखें आप लोग किस कदर अंदर बैठा है ये तो, मैं इस तक हाथ भी नहीं पहुंच रहा मेरा, इसको पकड़ूंगा कैसे, मुझे तो अजीब ही लग रहा है। यहाँ पे मक्खियाँ, मकड़ी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, अबे भाई खतरनाक। लिजर्ड भी हैं यहाँ पे, और भी अजीब अजीब जानवर हैं, और ये बेचारा अंदर छुप के बैठा हुआ है। किससे छुपा हुआ है, ये इन कौओं से, वो जो अभी उड़ रहे थे यहाँ पे थोड़ी देर पहले। ये देखें ये उड़ता हुआ जा रहा है कौआ, ये कौए कौओं की वजह से यहाँ छुप के बैठा हुआ है, वरना इसको क्या जरूरत है यहाँ छुप के बैठने की, तो आजाद जानवर है, इसकी तबीयत खराब है जब ये यहाँ पे बैठा है।
यार उस्ताद बड़ा मुश्किल है, मेरी तो हालत खराब हो गई, कपड़े फुल ऐसी ही तैसी हो गए, मेरा हाथ भी कट गया कांटों की वजह से। देखें हाथ भी कट गया कांटों की वजह से। कैसे पकड़े यार इसको, ये तो अंदर ही चला गया फुल। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको हम इसको पुश कर सके जैसी उड़े और हम झपट लें, ऐसा कुछ होना चाहिए। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई, आज तक ऐसा नहीं हुआ भाई। इतनी झाड़ियां, आप झाड़ियां चेक करें, पूरा जंगल है भाई। आओ यहाँ पे आओ मेरे साथ, ये क्योंकि इस तरफ आ गया ना, अब इसको हम इस तरफ से कुछ चीज ऐसे करेंगे जैसे उड़े और फिर हम उसको वहां जाके दबोच लेंगे, क्योंकि जहां पे झाड़ियां कम हो इसको वहीं से दबोचना पड़ेगा। देख के आना नीचे, आ जाओ नीचे देख के आना, आ जाओ आ जाओ। अबे यार यहाँ जाएंगे कैसे, हम तो बहुत झाड़ियाँ हैं कांटों वाली। किसी जानवर को रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल है भाई, आज पता चला। आज पहली बार इतनी फटी हुई है, मेरी हालत देख रहे हैं आप, इस कदर पसीने आ रहे हैं। अब ये उस तरफ चला गया, मगर लोकेशन समझ नहीं आ रही क्योंकि झाड़ियां इतनी। मैं इधर से एक पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, इस इधर से स्ट्रेट। अब वहां पे जाके हमें इसको इस डंडे से थोड़ा धक्का देना पड़ेगा जब ये उड़ेगा। इसको बस हमें यहाँ से निकालना है क्योंकि ये फंस चुका है यहाँ पे कांटों वाली जगह पे। ओ भाई साहब ये देखें, अबे कीड़े नजर आए आपको, ये देखें कीड़ा कितना खतरनाक है, ये देखो क्या करें। पहले तो इधर दिख भी रहा था साला, हमें पता है क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ है, इसकी सीध में बैठा है। किधर है अबे यार ये जाऊंगा कैसे यहाँ पे। ओ भाई साहब कोशिश करूँ जाने की, रेक्स है। ओए बॉल मिली बच्चों की बॉल मिली यार, इसको बॉल मारूं फिर हो सकता है उड़े, फिर हम पकड़ लें, क्या बोलते हो। अल्लाह करे अब हाथ में आ जाए। इधर दिखाओ जरा यार, भाई मेरी फुल हालत ख़राब हो रही है। वो बैठा सामने, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये बैठा और बड़े अय्याशी से बैठा हुआ है ये। अब बस इसको कोशिश करना है कि हम अंदर घुस के इसको पकड़ लें, यहाँ कांटों और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब मेरे कांटा लगा। हाँ किधर गया, इसको नज़र में रखना बस आप। मेरे जो शूज़ है ना वो सेफ्टी शूज़ हैं, मैं उनकी सेफ्टी शूज़ की वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। सेफ्टी शूज़ नहीं होते ना मेरे बैंड बज जाती है अभी। इसको मैं बॉल मार रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना तो पड़ेगा, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते। यार कितने अय्याशी से बैठा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है। अबे उड़ा ही नहीं, बॉल भी जाया हो गई यार, ये उड़ भी नहीं रहा, और जब हम सामने आते हैं साला फिर उड़ता है, पता नहीं क्या चिरांदे इसके अंदर, अजीब है यार ये। बेटा इधर आ जा, बेटा इधर आ जा, ओ बेटा, अरे बेटा अब ये थोड़ा सा और अंदर चले गए ना, हम यहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे। रुको रुको, उड़ने की जगह नहीं है ना इसके पास। अबे और अंदर चला गया। वन मिनट, जाने दो। आइडिया आया मेरे पास, मुझे यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। इधर दिखाओ कैमरा, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ मैं भाई। आप लोग दुआ में याद रखेगा, देखा अगर मैं बच गया ना तो ये वीडियो आएगी, वरना अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला से उम्मीद है मैं बच जाऊँ। अबे भाई जगह ही नहीं है तो जाने की। बिस्मिल्लाह, कांटों में फंस रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब रिक्स है यार ये तो बहुत बड़ा, कांटे। अरे 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 कांटे हट, वे उस पे परिंदे पे नज़र रखो। भाई आप लोग ऐसा कुछ भी करने का नहीं ट्राई किएगा, अगर कोई परिंदा दिखे तो उसको छोड़ दें, उसको अपने हाल पे, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, मैं कांटों में फंस चुका हूँ इस वक्त। अरे और चूटे भी हैं यहाँ पर, और परिंदा मेरे सामने ही है। ये लास्ट ट्रिक से मेरा, अल्लाह करे बस हाथ में आ जाए। ये देखें ये बैठा सामने। ये है क्या चीज़, क्या है, कबूतर है क्या है, इसने तो नचा के रख दिया मुझे। वो भाई साहब अल्लाह करे अब हाथ में आ जाए, हालांकि इसको उड़ना नहीं आ रहा सही से, फिर भी ना ये एफर्ट कर रहा है कि मैं किसी तरह से फहद से बच जाऊँ, फहद का कॉन्टेंट ना बन पाए। अब मुझे खड़ा होना है इधर, ये देखें ये कांटों से तो हटूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह से उम्मीद है हमारे हाथ में आ जाएगा ये। अबे यार शिट यार, मेरे हाथ में लगा था शामिर, अब तो इसको पकड़ लूंगा इंशाल्लाह।
यार और अंदर चला गया। मेरी हालत बुरी हो गई है, मेरे हाथ पैर कट गए, ऐसा भी होता है भाई। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको बाहर निकाला है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ओ भाई पीछे रहो, इधर रहो। इसके दिल तो चाह रहा है जब भी मैं पकड़ूंगा ना इसको, मारूंगा इसको पकड़ के। मेरा बेड़ा गरक कर दिया इसने, बहन बजा दी। इस कदर मैं मुश्किलात का दुचार हो गया था। अब जाके इसको मैंने पता है क्या, मैंने ना इसको धक्का दिया और ये जाके ना नीचे चला गया। अब ये नीचे आके यहाँ पे बाहर आ गया। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये बैठा, ये बैठा। अगर आपको देख रहा हो तो यही दुआ है अल्लाह से। ये देखें ये बैठा, ये बैठा, ये रहा, ये रहा। इसके मुँह में भी कुछ है, इसका मुँह सिर्फ हमें इधर करना है, वहाँ डंडा पीछे से मारूंगा। ये जैसी बाहर आएगा हम इसको दबोच लेंगे, तरफ जंगल में ना जाए बस ये। और दोस्तों आप खतरनाक चेक करें, कितना ज्वाइंट मकड़ी है ये मकड़ा। ओ भाई साहब इससे तो खौफ आ रहा है मुझे देख के। और यहाँ पे मच्छर भी बड़े खतरनाक है, मक्खियाँ भी बड़ी खतरनाक है, हर चीज़ खतरनाक है। और ये हमारा चुल्लू मुन्नू यहाँ पे बैठ, इसको मैं हाथ डाल के पकड़ता हूँ। आइए अब ये लास्ट चांद है इंशाल्लाह, अब ये कहीं नहीं जाएगा। इसकी ऐसी ही तैसी माने रही झपट्टा मार के पकड़ना है। बिस्मिल्लाह मदद कर। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया बाहर आ गया। अबे यार भैंस की टांग हो गई यार। चलो बस सेफ जगह चला गया ना, सेफ जगह चला गया, बस बहुत है, सेफ जगह चला गया, बस हमें यही चाहिए था। यार ये इतना पिसल क्यों रहा है, इतना पिसल क्यों रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, पिसलू पिसलू सा हो रहा है। नहीं नहीं अब आ जाएगा, अब ये क्योंकि फंस गया कांटों में, अब आराम से आ जाएगा, अब टेंशन ही नहीं है कोई। इसके ऊपर चूटे भी चल रहे हैं, अब ये कांटों में फंस गया पता है। अबे यार मैं कितना अनाड़ी हूँ यार, चूहा लग रहा है मुझे तो, ये चूहे की तरह भाग रहा है। बिस्मिल्लाह फाइनली हमारे हाथों में आ गया। यार ये है क्या चीज़, फाइनली आपके भाई ने ये परिंदा पकड़ लिया है। अब आप लोग एक दफ़ा इसको गौर से देखें, इसके सारे पर बिल्कुल सही है, ये वाला पर भी बिल्कुल सही है और ये वाला पर भी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा गुस्से वाला है। और आप लोग बताएं ये मेल है फीमेल है, मुझे सही से नहीं पता ये क्या है, मेल है या फीमेल है। और ये क्या है, कबूतर है क्या है, कौन सा परिंदा है, मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। जंगली परिंदा मगर ये नहीं पता कि कौन सा परिंदा है। बहुत ही मेहनत से पकड़ा है, आप लोगों ने देखा मेरी तो हालत ख़राब हो गई, कट लग गया पूरे हाथों में, मेरी तो फुल बच गई। और मकड़ी अल्लाह ना करे मेरे को मकड़ी वकड़ी ना चढ़ी हो, पता चले मैं स्पाइडरमैन बन जा ऐसे करके जा रहा हूँ। इतनी खतरनाक खतरनाक मकड़ियाँ, मैं तो भाई पहली बार इतने खतरनाक जंगल में घुसा हूँ जहाँ काला जादू भी होता है, जहाँ पे इतना खतरनाक मकड़ियों का जौला और खतरनाक खतरनाक चीज़ें। और ये इतने प्यारा मासूम सा परिंदा है तो बहुत प्यारा, मगर यार इस बेचारे के पीछे चीले भी लगी हुई थी, कौवे भी लगे हुए थे, और ये कमज़ोर भी है, शायद सही से उड़ नहीं पा रहा। जैसे कि हमने पकड़ लिया, अगर ये उड़ना जानता होता तो आसमानों में उड़ जाता, आसमान में उड़ नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत उड़ रहा है, ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल। ओ भाई ये क्या गुस्सा है, ओ भाई वो कीड़ा था, वो काला वाला कीड़ा था। मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।